वाला मकान लिफ्ट किए थे, देख सकते हैं गाइस 6 फीट लिफ्ट किया गया था। इस बार ये वाला लिफ्ट किया जाएगा, ये 5 फीट लिफ्ट किया जाएगा, 5 फीट। जब लिफ्ट कर देंगे फिर भी वीडियो आपको दिखाऊंगा। बढ़िया तरीके से लिफ्ट किया जाएगा, ये 3 मंजिल बिल्डिंग है। लिफ्टिंग एंड शिफ्टिंग MMJ रिंग हाउस लिफ्टिंग प्राइवेट लिमिटेड। जब ये दिक्कत होने लगी तो हम लोगों ने एक प्रोग्राम बनाया कि घर को किस तरह से लिफ्टिंग किया जाए। पहले में जो है तो लिफ्टिंग या जेंट है ना प्रॉपर वर्क कि कितना लोड आएगा, कितने जगह पर ये उठाएंगे और कैसे काम करेंगे। तो हमारी मुलाकात हुई जो है तो JMMA इंजीनियरिंग हाउस लिफ्टिंग प्राइवेट लिमिटेड, और इन्होंने हमें अश्योर किया कि जो है सो इस घर को उठाने में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर मैंने इनके साथ रेट तय किया, फिर एक कंट्रैक्ट बनाया, दोनों में एक एग्रीमेंट हुई कि आपको जो है सो अपने अपने टाइम पर कमिट देना, और इन्होंने एक कमिटमेंट किया कि आप 90 दिन के अंदर में आपका घर करके एकदम जो है सो सेफ और स्ट्रॉन्गली बना करके आपको जो है तो हम हैंड ओवर कर देंगे। तो जब मैं दूसरा घर बना रहा था तो उसमें काफ़ी दिक्कत थी, एक तो विश्वास नहीं था कि या हम पता नहीं कैसे ये बनाएंगे और ये घर की स्थिति कैसी होगी जी। लेकिन मैंने अंततः ये पाया कि ये मैंने इंजीनियरिंग जो लिफ्टिंग वाले हैं इनके जो है सोलूशन प्रोजेक्ट नजर जो हैं उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से इस काम को करके हमें टाइमली जो है तो उन्होंने घर को हैंड ओवर कर दिया जो है। और वो घर बंद करके पिछले साल उसमें उठा करके भर करके सब कुछ करके प्लीज बना दिया गया, और उसमें देखा गया कि इस साल बारिश में वो कहीं अफेक्टेड नहीं हुआ। तो हमने फिर डिसाइड किया कि हमारा जो बगल वाला अपना घर है उसको भी जो है तो मैं लिफ्टिंग करने के लिए उन्होंने बुलाया, फिर एक रेट तय हुई दोनों के बीच में जो है, और इन्होंने हमें जो है सर इंश्योर किया है कि आप उस तरफ दो बार आपका मकान को उठा करके और फिर तरीके से किया है, इस बार भी दूंगा जो है आप जो है। और मैं इनसे यही उम्मीद करता हूँ कि इस बार भी जो है तो अपने कमिटमेंट पे ये खड़े उतरेंगे, और हमारा पूरा वेल्डी से इनके साथ है, इनके फर्ज के साथ है, इनके लोगों के साथ है। ये लोग काफ़ी कॉम्पिटेंट हैं, हमने देखा कि ये प्योर सिविल इंजीनियरिंग का काम है और इनके पास जो है सो ये थ्योरेटिकली नहीं प्रैक्टिकल नॉलेज इनके पास काफ़ी है, और ये कर पा रहे हैं जो और मैं आगे भी चाहूँगा कि ये सक्सेसफुल। चलिए थैंक यू अंकल। ये एड्रेस कहाँ पड़ता है रांची में? ये शांति नगर एहल पंडरा रांची में जी। और पिछली बार मकान लिफ्ट किए थे आपका, वो बढ़िया तरीके से 6 फीट मकान वो भी लिफ्ट किया गया था जी। जी थैंक यू अंकल। चलिए पीछे का दिखाता हूँ आपको, ये बैक साइड है, सेम लिफ्ट किया जाएगा। ये बैक साइड है, ये सारा कुछ लगा रहेगा, पानी की वायरिंग चलती रहेगी, लाइट की। ये पहले मकान लिफ्ट किया गया था, ये वाला, ये गाइस पहले मकान लिफ्ट किया गया था पिछली बार पिछले साल, और ये इस साल लिफ्ट किया जाएगा। हमें लिफ्टिंग का काम चालू हो गया आज, जब मकान लिफ्ट हो जाएगा फिर भी मैं वीडियो आपको दिखाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा, ठीक है जी। ये सब काम चालू हो चुका है, ये पहले मकान, ये वाला मकान लिफ्ट किए थे पहले, अभी ये कंप्लीट हो चुका है, पिछले साल ये लिफ्ट किए थे, इस साल ये वाला मकान लिफ्ट करेंगे। होगी वाटर लेवल? हाँ कर रहे हैं। हाँ ओके ओके ओके।
ओके वाटर लेवल कर रहे हैं लोग, सारी बिल्डिंग लिफ्टिंग की जाएगी। अभी ये नीचा है, कुछ दिन के बाद ये ऊंचा हो जाएगा, फिर भी दिखाएंगे आपको। ये सारा कुछ लगा रहेगा अपना और हाउस लिफ्ट कर दिया जाएगा। देख सकते हैं गाइस, ये रूम है, ये फैन एसी सेम चलता रहेगा जी, और लिफ्ट हो जाएगा। सारी चीज़ें लगी रहेंगी बिल्डिंग में। ये पूजा रूम है, ये भी रूम है, फैन एसी सेम चलता रहेगा और लिफ्ट हो जाएगा। बाथरूम है, अभी सारी चीज़ें लगी रहेंगी। एसी भी लगी रहेगी, एसी भी लगी रहेगी। काम चालू हो चुका है, सब समय ऐसी लगी रहेगी और सेफ्टी से काम अपना कर रहे हैं। ये अलमारियाँ भर दी जाती हैं, ये पन्नी लगा दी गई है। टेबल कर रहे हैं लोग हैं, हाँ ठीक है ओके। मिला रहे हो मेरा जीरो जीरो पे छोटू, जीरो है, लगाओ निशान, लगाओ छोटू, हाँ लगाइए ओके। मार्का भी नहीं चल रहा है आपका, बड़ा निशान लगाओ थोड़ा दिखे तो पब्लिक को। तुम्हारा लग गया, ठीक है निशान, इतना लगाओ